वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर करप्ट अशराफिया के खिलाफ फट पड़े। कहा, ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने की आदि हैं। इन अनासिर ने कौमी इदारों को करप्ट कर दिया। अखबारात के लिए खुसूसी आर्टिकल तहरीर। लिखा, अरबों डॉलर की लूटमार ने आवाम को गुर्बत में मुब्तला कर दिया। कानून की हुक्मरानी को तमाम मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। फवाद चौधरी की अपोजिशन जमातों को एक बार फिर इस्लाहात पर बातचीत की दावत। ट्वीट में लिखा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क्यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। नून लीग क्यादत को शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। मुल्क में कोरोना वायरस की पांचवी लहर पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं। एनसीओसी इजलास में तालीम और सेहत के बुजुर्ग का जायजा, कोई फैसला न हो सका। तालीम इदारे बंद करने का खुले रखने से मुतालिक इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। आज से परवाजों के दौरान खाने की फराहमी पर पाबंदी होगी। मास्क पहनना भी लाजम करार। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने की शरह 8.71 हो गई। 4,340 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना के 49,809 टेस्ट किए गए। वबा से मजीद 7 अफराद जहां बाग अस्पतालों में 781 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। कराची में कोरोना वायरस बेकाबू। केसेज की शरह 40% तक पहुंच गई। सिंध भर में ओमिक्रॉन के तस्दीक शुदा केसेज 460 हो गए। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियात और एसओपीज पर अमल करने की हिदायत। अमेरिका में कोरोना के 2,87,000 नए केसेज रिपोर्ट। बीजिंग में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में कोरोना के 19,41,970 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मजीद 3,992 अफराद लुकमा अजल बने। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने और लॉकडाउन के खिलाफ यूरोप भर में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। कोरोना वबा से दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। गरीब मजीद गरीब हो गया। कॉन्फेडरेशन ऑक्सम की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक अमीर तरीन 10 अफराद की दौलत 7 खरब डॉलर से बढ़कर 15 खरब हो गई। लॉकडाउन और पाबंदियों के बाद हर 4 सेकंड में एक मौत वाकई हुई। पंजाब के बलाई और मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मौतल। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। मोटरवे M2 पर ठोकर न्यास वेग से कोर्ट मोमिन तक भारी गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम तक। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शेरशाह। मोटरवे M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है। मोटरवे M11 को महमूद भूटी से समरयाल तक बंद कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों के नए स्थल का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार। बलोचिस्तान में ज्यारत और कान महतरजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। कराची में रात के वक्त सर्दी बरकरार।
आलूदा तरीन शहरों में बोस्निया हर्जेगोविना का शहर सराजी पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी का इंडेक्स 272 पॉइंट तक पहुंच गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची सिटी कोर्ट में सूबाई वजीर सईद गनी के हलीम आदिल के खिलाफ हत्के जब्त के मुकदमात पर समाअत। अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुजरिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सगासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया, जिनकी खुद इज्जत नहीं वो हत्के इज्जत का दावा कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। बल्दियाती निज़ाम पर एहतजाज करने वाले अपनी नालायकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में वज़ीर इत्तला'आत सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर वार। कहा MQM वाले कहते हैं शहरी और देही सिंध पर कब्जा नामंजूर, लोगों के बेवकूफ बनाने का सिलसिला ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। अपोजिशन महंगाई बेरोजगारी पर एहतजाज करे। कराची में सिंध बदलियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी। सिंध असेंबली के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। हाफिज नईम कहते हैं कराची के आवाम अपना हक मांग रहे हैं। पंजाब और KP वाले भी कराची के हुकूक के लिए आवाज उठाएं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर और रियासत बना लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को खुली छुट्टी दे दी गई है, जो चाहे करें। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल के तनकीदी वार कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कराची में लिसानियत की बुनियाद पर टाउन बनाए गए, कराची को एक कतरा पानी तक नहीं दिया गया। सानिहा मरी की तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट आज वजीर आला पंजाब उस्मान बाजार को पेश किए जाने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजाम के वक्त से सानिहा पेश आया। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी बर वक्त नहीं भेजी गई। कमेटी ने मरी में जिंदा बच जाने वालों और अफसरान के बयान का जायजा लिया। सिंध हाईकोर्ट का मोटरवे के अतराफ में तजावजात उठाने का हुक्म। अदालत ने 1.5 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। सुपर हाईवे M9 के अतराफ तजावजात के खिलाफ समाअत के दौरान सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे के दोनों अतराफ सर्विस रोड बड़े पैमाने पर रेती और बजरी बिखरी पड़ी है। ग्रीन बेल्ट पर सरगर्मियां सीपा कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने सीपा की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मारूफ अदाकार रशीद नाज पेशावर में इंतकाल कर गए। मरहूम ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी। अमरीका के जनूबी और शिमाल मशरक की रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिमाली और जनूबी कैरोलिना में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई परवाजें मुलतवी, लोग घरों में महसूस। Real Madrid victorious in the desert. They've overcome Athletic Club to win the Super Copa de España. في الرياض مبروك للمرينجي. مرينجي يعود لكتابة. Real Madrid ने Super Copa कप जीत लिया। फाइनल मार्के में Athletic Club के खिलाफ 2-0 से कामयाबी समेटी। क्रेम हिंजेमा, लोका मॉड्रिक ने गेंद को जाल तक पहुंचाया। जीत पर खिलाड़ियों ने ट्रॉफी थाम कर खूब जश्न मनाया। मैदान आतिशबाजी से जगमगा।
और जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर के हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी। ठंडे मौसम में मुजफ्फराबाद के सियाहती मुकाम पेशनासी पर रश लग गया। बर्फ में सयाहों की खूब मौज मस्तियां।